आज जो है NA-243 के दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं। NA-243 से इमरान खान इलेक्शन जीते थे और इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ये वाली सीट छोड़ दी थी, तो यहाँ पे दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं और फिक्सिट के आलमगीर PTI की तरफ से NA-243 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मुझे जरूरी बात कहनी थी वो ये है कि मैं इस वक्त हूँ डिस्को बेकरी के सामने, ये जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यह है कि इन्होंने डिस्को बेकरी के सामने अपनी प्रमोशन के लिए ये लगाया हुआ है। एक बार किसी पार्टी ने अपनी प्रमोशन के लिए एक टेंट लगाया था, तो टेंट लगाने के चक्कर में उन्होंने 2-4 सुराख कर दिए थे जिस पर फिक्सिट वालों ने इतना कुछ कहा था। लेकिन जब इनकी खुद की बारी आई तो उन्होंने पूरा पक्का काम किया है, रोड के अंदर एक सीढ़ी लगाई है, इस पर फिक्सिट का कोई एक्शन नहीं है। मतलब ये अजीब सी बात है, जब खुद की बारी आई तो गलत बात है ना। और हर पार्टी ने इतने सारे झंडे लगाए हैं, किसी ने पतंग, किसी ने बल्ला, किसी ने कुछ, तो ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि झंडे देखकर कोई वोट नहीं लेता। मुझे नहीं लगता कि झंडे या पतंगे देख के कोई किसी को वोट दे। आपके काम मैटर करते हैं, आप काम अच्छे करो, लोग आपको वोट देंगे। एक्चुअली फिक्सिट के दो मकसद हैं, एक है आवाम को दिखाने के लिए कि आवाम की मदद करना, पेड़ पौधे लगाना, थिंग्स लाइक दैट, और एक था कराची से इलेक्शन जीतना। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम वो आवाम की मदद तो कर रहे हैं ना, पेड़ पौधे लगाना, यतीमों की मदद करना, और मतलब अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बुरे काम तो नहीं कर रहे, एक बत्ता वत्ता लेना, और समझ रहे हैं। और मुझे 2-3 ज़रूरी बात करनी थी, वो मैं घर जाके करूँगा, सुकून से समझाऊँगा, बहुत ज़रूरी बात है। हाँ, तो मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी, और वो ज़रूरी बात ये है कि जब से डॉलर के रेट हाई हुए हैं, इमरान खान को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। मतलब कि हद हो गई, मतलब कि लोग कह रहे हैं कि जो वो कहता था वो कर नहीं पाया, यू टर्न और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, आप एक मिसाल लो, ठीक है ना, एक मिसाल नहीं है, मतलब असली में हुआ ऐसा, ठीक है ना, अपनी तरफ से नहीं बना रहा। श्रीलंका का एक प्रेसिडेंट था मिस्टर राजापक्सा, ठीक है, क्या नाम था उसका, मिस्टर राजापक्सा। अब जैसे हमारा सीन है ना चाइना के साथ दोस्ती ये वो, वैसे ही श्रीलंका का भी चाइना के साथ दोस्ती वगैरह वाला सीन था, जैसे बिल्कुल हमारा है ना, बिल्कुल वैसे ही था। तो मिस्टर राजापक्सा जब भी चाइना के पास जाते थे कर्जा वगैरह मांगने के लिए, चाइनीज उनको दे दिया करते थे। अब इससे हुआ क्या कि राजापक्सा से श्रीलंका की आवाम खुश हो गई, क्योंकि वो काम करवाता था, लेकिन वो करप्शन भी करता था। मतलब कि वही सीन था, खाते भी तो हैं, लगाते भी तो हैं ना, मतलब बिल्कुल वही सीन। अब हुआ क्या, ये सुनो, हुआ ये कि 2015 में राजापक्सा की हुकूमत हो गई ख़त्म। इसके बाद जो नई हुकूमत आई ना, उसको अब वापस करना था कर्जा, लेकिन पैसे थे ही नहीं, वापस कैसे करते कर्जा। तो हुआ क्या, अब चाइनीज़ ने बोला कि आप पैसे तो दे नहीं सकते, तो आपका जो पोर्ट है ना, आप वो हमें दे दो 99 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 99, ठीक है। और सिर्फ पोर्ट ही नहीं, उसके साथ साथ 15,000 एकड़ की लैंड भी, ठीक है, 99 ईयर्स के लिए। पाकिस्तान को बने हुए 71 ईयर्स हो चुके हैं, 71, और उनको पोर्ट कितने सालों के लिए मिला है? 99, मतलब कि हमेशा के लिए, हमेशा ही हो गया ना, 99 बहुत ज़्यादा होता है। अब हुआ क्या कि गालियाँ पड़ रही हैं नई हुकूमत को, क्योंकि वो कर्ज़ा नहीं ले रही, वो आवाम के लिए फ़ायदे के लिए आई है, वो आवाम के लिए सोचती है, आवाम के लिए काम कर रही है, लेकिन गालियाँ पड़ रही। अब मैं आपको एक और मिसाल दे के ना ये पूरा क्लियर करता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। एक बच्चा है, उसका एक दोस्त है जो कि उसको चीटिंग करवाता है पेपर में। अब वैसे तो नज़र आ रहा है कि वो उसका दोस्त है, वो उसको पास करने में उसकी मदद करता है, एग्ज़ाम पास करने में, लेकिन असली में वो उसका दोस्त नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो उसका दोस्त नहीं है। नहीं समझ आया? चलो एक और मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है, उसके दो दोस्त हैं। एक दोस्त है जो कि उसके साथ मस्ती करता है, उसको फ्री सिगरेटें पिलाता है, उसको स्कूल बंक करवाता है, और घूमते फिरते हैं ये लोग, फुल मज़े, फुल मतलब सीन ऑन है ना। और दूसरा दोस्त है उसका, वो उसके साथ स्कूल बंक नहीं करता, जब भी उसको सिगरेट पीते हुए देखता है उसकी अम्मी को बता देता है, लेकिन वो उसके काम आता है, मतलब जब भी उसको काम कंप्लीट करना होता है तो वो उससे कॉपी लेके जाता है, और ये सब है। अब वैसे तो देखने में लग रहा है कि वो जो सिगरेट पिलाता है उसको, वो उसका पक्का दोस्त है और ये दुश्मन है, क्योंकि ये इसकी अम्मी को बता देता है और फिर उसके लिए वो मसला हो जाता है। लेकिन अगर आप दिमाग खोल के और अकलमंदी के साथ देखोगे ना, तो वो जो है जो उसकी अम्मी को बता देता है कि वो सिगरेट पी रहा है, वो असल में उसका पक्का दोस्त है। तो चाइना भी हमारा एक ऐसे ही दोस्त है जो कि हमें मदद तो कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना वो हमारा दुश्मन है। लेकिन वो हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं कर रहा? उसने हमें कितना सारा कर्जा दे दिया है, लेकिन वो वापस क्यों नहीं मांग रहा? उसकी एक वजह है,
और वो वजह यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया की एक ऐसी जगह पे है कि जिस मुल्क का पाकिस्तान पे कब्जा हो गया चाइना या अमेरिका में से, वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि अमेरिका का अलाय जो है वो है इंडिया, और इंडिया और चाइना की आपस में लगती है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अमेरिका चाहता है कि वो उसके साथ हो जाए और चाइना चाहता है कि वो उसके साथ हो जाए। अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपनी आर्मी भेजता है और फिर वो मतलब कि इस तरह वो मुल्क पे कब्जा करता है, और चाइना का सीन ये है कि वो इकोनॉमिकली बिजनेस करके ट्रेडिंग करके वो इस तरह मतलब अपने दुनिया में कब्जा करते। दोनों में आपस में लगी हुई है मतलब कि कौन सुपर पावर बनेगा कौन नहीं, ये एक दूसरे की नहीं सुनते और मतलब कि अपने अपने में लगे हुए हैं, और ये इतने पावरफुल हैं कि इनको एक दूसरे की सुनने की जरूरत भी नहीं है। मतलब इनके पास खुद ही है और खुद ही अपना सब कुछ बना लेते हैं, ना इनको इम्पोर्ट करने की इतनी जरूरत है ना एक्सपोर्ट करने की, ये लोग खुद सस्टेन कर सकते हैं मतलब अपने सारे सिस्टम। तो सेटअप कुछ इस तरह का है, इसलिए इमरान खान को गालियां पड़ रही हैं क्योंकि पिछली हुकूमतों ने बहुत सारा कर्जा ले लिया था, तो अब जब कर्जा वापस देने की बारी आई ना तो फिर सीन आउट हो गए। और एक और भी जरूरी बात थी कि जो डैम बनाना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो है डॉलर चल रहा है 133 PKR, मतलब $1 और 133 rupees पाकिस्तानी। भले चाहे डॉलर 300 पे भी क्यों ना चला जाए ना, डैम तो बनाना है भाई, डैम बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डैम बहुत ज्यादा जरूरी है और डैम बनाने के पैसे इतने ज्यादा हैं, मतलब डैम बहुत ज्यादा महंगा बनता है, बहुत ज्यादा महंगा, और डैम बहुत महंगा बनता है। लेकिन अब तक जो है वो 5 billion rupees जमा हो चुके हैं डैम बनाने के लिए। डैम जो है वो पाकिस्तान की GDP से या वैसे नहीं बन सकता क्योंकि डैम बहुत ज्यादा महंगा होता है, और ये बड़े डैमों से एक है तो ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं, और डैम बनाने में भी इनको तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। पाकिस्तान को डैम की बहुत ज्यादा जरूरत है, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो पानी की तो जरूरत है ही। अगर चाइना की बात कर लें तो चाइना ने एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी जो कि तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी है, और कराची से लाहौर का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है 2000 किलोमीटर। मतलब कि कितनी लंबी उन्होंने दीवार बनाई है। वो दीवार ऐसी नहीं है जैसे आपके घरों की दीवार होती है, वो एक बड़ी दीवार है जिसमें आप चल भी सकते हो। मतलब मैं कुछ क्लिप्स डाल दूंगा आखिर में जो सिनेमैटिक होगी ना उसमें, तो आप देख लेना कैसी दीवार है वो अगर नहीं देखी तो। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की लास्ट होप है, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है, या तो नया पाकिस्तान या फिर गया पाकिस्तान।